गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मोलिकुलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस के अंदर आज हम जेनेटिक मटेरियल डीएनए के बारे में पढ़ रहे थे, थोड़ा इसे हम आगे चलेंगे और जेनेटिक मटेरियल की प्रॉपर्टीज देखेंगे और डीएनए आरएनए, क्योंकि किन्हीं किन्हीं केस में एग्जाम्पल के लिए वायरसेस, वहां जेनेटिक मटेरियल क्या है, आरएनए। तो डीएनए वर्सेस आरएनए को हम कंपेयर करेंगे कि आरएनए क्यों है और डीएनए क्यों है जेनेटिक मटेरियल। तो जेनेटिक मटेरियल को आज हम कंपेयर करेंगे, जो टॉपिक रहेगा कंपैरिजन या प्रॉपर्टीज ऑफ जेनेटिक मटेरियल डीएनए वर्सेस आरएनए। जेनेटिक मटेरियल की प्रॉपर्टीज होती हैं, बेसिक प्रॉपर्टी है जेनेटिक मटेरियल की। फर्स्ट, इसमें रेप्लिकेशन होना चाहिए, मींस अपनी प्रतिकृति बना सके। डीएनए में रेप्लिकेशन होता है, आरएनए भी अपनी प्रतिकृति बना सकता है, पर मोस्ट क्या है, डीएनए ज्यादा रेप्लिकेबल है, अपनी प्रतिकृति बनाता है। केमिकली स्टेबल होना चाहिए उसको। इस केस में डीएनए आरएनए से ज्यादा केमिकली स्टेबल है, ये हम पहले ही बता चुके हैं। किसी किसी केस में आरएनए भी जेनेटिक मटेरियल है, एग्जाम्पल के लिए वायरसेस, जैसे टीएमबी वायरस, टोबैको मोज़ेक वायरस में आरएनए क्या है, जेनेटिक मटेरियल है। क्योंकि वायरस में जेनेटिक मटेरियल डीएनए भी होता है और आरएनए भी होता है, दोनों में से एक होता है, डीएनए और आरएनए। और ज्यादा केस में एनिमल्स की बात करें, हम ह्यूमन बीइंग की बात करें, ज्यादातर केस में प्लांट्स एंड एनिमल्स में डीएनए ही क्या है, मेन जेनेटिक मटेरियल है, बेसिक जेनेटिक मटेरियल है। म्यूटेशन स्कोप भी होना चाहिए, तीसरी करेक्टरिस्टिक है जो जेनेटिक मटेरियल, उसमें म्यूटेशन के लिए भी जगह होना चाहिए, ताकि कोई इवोल्यूशन हो नया, उसमें चेंज पैदा आए और नई वेरिएशन हो, जिससे नई स्पीसीज बने और आगे इवॉल्व हो। तो वो म्यूटेशन का स्कोप होना चाहिए। म्यूटेशन के केस में डीएनए ज्यादा स्टेबल है, आरएनए ज्यादा रिएक्टिव है। एक्सप्रेशन होना चाहिए, चौथा जो पॉइंट है जेनेटिक मटेरियल करेक्टरिस्टिक, एक्सप्रेस कर सके अपने को। डीएनए अपने को एक्सप्रेस करता है प्रोटीन के फॉर्म में विद द हेल्प ऑफ आरएनए, और आरएनए भी प्रोटीन के फॉर्म में एक्सप्रेस अपने को वो एक्सप्रेस करे। जेनेटिक मटेरियल वही है जो अपने को आगे बढ़ाए, एक्सप्रेस करे किसके फॉर्म में, जीन के, जो जीन करेक्टर्स के फॉर्म में जीन अपने को एक्सप्रेस करता है, या हम कह सकते हैं कि प्रोटीन के फॉर्म में डीएनए अपने को एक्सप्रेस करता है। तो एक्सप्रेशन होना चाहिए, ये चार करेक्टरिस्टिक्स हैं जेनेटिक मटेरियल की। अब डीएनए और आरएनए में हम थोड़ा समझेंगे डिफरेंस क्या क्या है। जो डीएनए मोस्ट ऑफ केस में जेनेटिक मटेरियल है, आरएनए वायरसेस के केस में जेनेटिक मटेरियल है। डीएनए मोर ज्यादा स्टेबल होता है, ज्यादा स्टेबल होता है, लेस रिएक्टिव है डीएनए, स्टेबिलिटी डीएनए में ज्यादा होती है, और आरएनए क्या है, लेस स्टेबल है, तो ये ज्यादा रिएक्टिव है। डीएनए की स्ट्रक्चर इस तरह का है उसको ज्यादा स्टेबल बनाता है। म्यूटेशन डीएनए में कम होता है, लेस म्यूटेशन है, बट होता है, म्यूटेशन जरूरी होता है इवोल्यूशन के लिए, वेरिएशन के लिए, नई जातियां बनने के लिए, नए इवॉल्व नए प्लांट्स और एनिमल्स बनने के लिए, आगे अपनी प्रजाति का क्या करते हैं, उसमें म्यूटेशन के कारण जो है वेरिएशंस आती हैं, विभिन्नताएं आती हैं, पीढ़ी दर पीढ़ी चेंजेस आते रहते हैं। और आरएनए में हाइयर जो है म्यूटेशन ज्यादा होता है। तो जो आरएनए वायरस है उनका जो लाइफ स्पान है वो कम का है, क्योंकि उसमें जल्दी जल्दी म्यूटेशन हो रहा है, इवोल्यूशन जल्दी जल्दी हो रहा है, तो उनका जो लाइफ स्पान है, जो जीवन काल है वायरस का, वो कम है, कम है। इजली आरएनए, देखो जो डीएनए है अपने को एक्सप्रेस करता है किसकी हेल्प से, आरएनए की हेल्प से। डीएनए आरएनए बनाता है और आरएनए से प्रोटीन बनता है, डीएनए एमआरएनए बनाता है या अलग और भी आरएनए बनाता है, उससे क्या बनती है, प्रोटीन बनती है। तो डीएनए से जो एमआरएनए बनता है उसको हम ट्रांसक्रिप्शन बोलते हैं, और एमआरएनए से जब प्रोटीन बनती है तो उसको हम ट्रांसलेशन बोलते हैं, अनुलेखन और अनुवादन इसको कह सकते हैं। तो एक्सप्रेस करता है डीएनए पहले आरएनए बना के, और जो आरएनए होता है वो डायरेक्टली क्या अपने को इजीली एक्सप्रेस कर लेता है प्रोटीन के फॉर्म में। डीएनए भी लास्ट में अपने को प्रोटीन के फॉर्म में एक्सप्रेस करता है, पर विद द हेल्प ऑफ आरएनए, और आरएनए इजीली एक्सप्रेस होता है, डायरेक्टली कोड होता है और डायरेक्ट प्रोटीन बनते हैं। ये डीएनए वर्सेस आरएनए के हम जेनेटिक मटेरियल की प्रॉपर्टीज पढ़ रहे हैं। डीएनए अगर हम अच्छा देखें तो डीएनए क्या है, जेनेटिक इंफॉर्मेशन को स्टोर बेटर तरीके से कर सकता है, क्योंकि डीएनए में स्टेबिलिटी है, स्टोर क्योंकि लेस रिएक्टिव है, तो ये जेनेटिक इंफॉर्मेशन को ज्यादा अच्छे तरीके से स्टोर कर सकता है डीएनए। और आरएनए जेनेटिक इंफॉर्मेशन को एक्सप्रेस अच्छे ढंग से करता है, क्योंकि जो जीन एक्सप्रेशन जब होता है तो विद द हेल्प ऑफ आरएनए होता है। आरएनए
के बाद प्रोटीन बनती है, तो इजिली अच्छे तरीके से या जल्दी से इजिली किसमें एक्सप्रेशन होगा? आरएनए में। बट स्टोर किसमें होगा? जेनेटिक इंफॉर्मेशन, डीएनए। मींस जो हमारा जेनेटिक इंफॉर्मेशन है, डीएनए उसको अच्छे तरीके से स्टोर कर सकता है और आरएनए उसको अच्छे तरीके से एक्सप्रेस कर सकता है। तो ये दोनों दोनों की वैल्यू होगी। अगर जेनेटिक मटेरियल हमारा डीएनए, तो जेनेटिक इंफॉर्मेशन हमारे स्टोर है क्योंकि वो ज्यादा स्टेबल है, लेस रिएक्टिव है, लेस म्यूटेशन है उसमें। और आरएनए अपने को ट्रांसमिशन या एक्सप्रेशन हम कह सकते हैं, जेनेटिक इंफॉर्मेशन आगे बढ़ा सकता है जल्दी से, ट्रांसमिट ज्यादा होती है क्योंकि ये लेस स्टेबल है और मोर रिएक्टिव है, म्यूटेशन भी ज्यादा है इसमें और डायरेक्टली एक्सप्रेस कर सकता है। तो ट्रांसमिशन ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन बेटर किस्म होता है? आरएनए में। तो ये समझना यहाँ पर जरूरी है। तो अगर अगर हम प्रोटीन को कंपेयर करें तो प्रोटीन पे क्राइटेरिया, प्रोटीन में रेप्लिकेशन नहीं होता है, तो यहीं पे प्रोटीन का जो कैंसिलेशन हो जाता है कि प्रोटीन एक जेनेटिक मटेरियल है। तो प्रोटीन एक जेनेटिक मटेरियल नहीं है, बट मोस्ट ऑफ केस में डीएनए जेनेटिक मटेरियल है, ज्यादा ध्यान। लेकिन बाद में जब साइंटिस्ट ने और ज्यादा स्टडी करी तो जिन वायरस में या जिन ऑर्गेनिज्म में, कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऐसे जिनमें आरएनए जो है, केवल आरएनए है, डीएनए है ही नहीं, आरएनए जेनेटिक मटेरियल है। तो कहीं कहीं पे आरएनए से जो डीएनए बनता है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन भी बाद में टेमिनन बाल्टीमोर ने रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन टेमिनिज्म जिसको हम बोलते ढूंढना, उसमें जो है आरएनए, आरएनए से क्या डीएनए से जो आरएनए बनता है उसको हम ट्रांसक्रिप्शन बोलते हैं, और आरएनए से जब डीएनए बनेगा तो उसको हम रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन बनते हैं बोलते हैं। तो उसको वो सीडीएनए बनता है, कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए उसको हम बोल सकते हैं, वो बनता है। तो आज हमने जो पढ़ा, प्रॉपर्टीज ऑफ जेनेटिक मटेरियल, डीएनए और आरएनए का कंपैरिजन किया। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें। थैंक्स फॉर टुडे।